अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान इन दिनों अपने दूसरे बच्चे को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये कपल बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम पति पत्नी की तरह सैफ और करीना के बीच भी काफी झगड़ा होता है? शायद नहीं, तो आपको आज हम बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि हर कपल के अपने जीवन में कभी ना कभी तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। कुछ ऐसे ही एक मीठी टकरार सैफ और करीना में भी एक बार हुई थी। इसकी जानकारी खुद एक्टर ने दी। दरअसल अपने इंस्टाग्राम फीड पर स्क्रॉल करते हुए द कपिल शर्मा शो में बुलाए जाने पर सैफ का एक थ्रोबैक वीडियो देखा गया। जी हाँ, जिसमें ये खुलासा हुआ। वीडियो में सैफ कह रहे हैं कि वो कभी झगड़ा नहीं करती, मेरे साथ बहुत अच्छी है, ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। लेकिन परसों अपनी फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, देर रात तक लोग आ रहे थे, हमें फिल्म अच्छी लगी थी तो पार्टी चल रही थी, तो वो कहती हैं आज मेरा है कल ठीक है, इसलिए ज्यादा रात मत करो, मैं परेशान हो रही हूँ। तो मैं गया सोने सुबह 5 बजे। जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। मैंने कहा वाओ। तो बाद में उन्होंने आके दरवाजा खोला और कहा कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इससे पहले करीना ने सैफ के बारे में बात करते हुए कहा था कि किसी तरह मेरे जीवन के माध्यम से मुझे उन लोगों से आशीर्वाद मिला है जिन्होंने मेरा अच्छी तरह से समर्थन किया है। इसलिए बस जब मुझे लगा कि मैं गिर रही हूँ तो सैफ ने मुझे पकड़ लिया। मैं उनसे पहली बार तब मिली थी जब हम टशन फिल्म कर रहे थे। वो बहुत हैंडसम थे, मैं वहीं अपना दिल हार गई थी। मुझे याद है कि लद्दाख और जैसलमेर की शूटिंग के दौरान हम कुछ समय के लिए अकेले लंबी बाइक की सवारी पर जाते थे। इस दौरान हम लोग सिर्फ सुंदरता का आनंद लेते थे और बातें करते थे। जी हाँ, अपने इंटरव्यू में ही सैफ अली खान ने इस बात का खुलासा किया था कि क्यों करीना कपूर खान एक बार उनसे लड़ाई करके अकेले कमरे में सो गई थी। आपका इस पर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।